गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं संदीप चारण सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और निरंतर अपना अध्ययन कर रहे हैं। देखो, पीछे की जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो मैंने मैथमेटिक्स ऑपरेशन का टॉपिक डाला था। लगभग सारी टाइप उसमें मैंने आपको करवा दी थी। एक टाइप मैं आपको बता देता हूँ जो अपन ने उस जगह नहीं की थी, वो टाइप थी अपनी मिसिंग सेंस ऑफ साइन। किसी चिन्ह का सेंस क्वेश्चन में पता नहीं होगा, वो अपने को खुद पता लगाना होगा। तो अपने को वहाँ करना क्या है, वो चीज़ अपन पढ़ेंगे मिसिंग नंबर के साथ में। मिसिंग नंबर का मतलब वहाँ कोई डायग्राम दिया जाता है, उसमें एक जगह क्वेश्चन मार्क कर देगा, तीन चार नंबर्स देगा और एक जगह क्वेश्चन मार्क कर देगा। अपने को क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो ऑप्शन से क्लिक करना होता है। तो वो चीज़ अपन मिसिंग नंबर के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सीरीज है, मिसिंग नंबर है, शब्दों का सार्थक क्रम है, वो चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो राजस्थान पुलिस, BSTC, SSC, बैंक, जहाँ भी रीजनिंग का नाम लगता है वहाँ पर ये टॉपिक कंपल्सरी लगता है। टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ कि अल्फाबेट टॉपिक कवर होने का मतलब हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन का पार्ट कवर होना। ये तो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल एग्जाम की, जैसे राजस्थान पुलिस है, BSTC है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें बैंकिंग क्षेत्र के एग्जाम की, बैंकिंग के एग्जाम की बात करें, तो अगर आप अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट करते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन का काम यहाँ पे कवर होता है। कैसे होता है, देखो, अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन आना तय है, चाहे BSTC हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, 2 क्वेश्चन यहाँ से श्योर आएंगे। एक तो आएगा क्वेश्चन क्रम पर आधारित, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो इसमें अपन आगे चल के छोटी छोटी टाइप पढ़ेंगे, जैसे डिक्शनरी टेस्ट पढ़ेंगे, शब्द समूह ज्ञात करना पढ़ेंगे, ठीक है, अल्फाबेट का सार्थक क्रम पढ़ेंगे, ठीक है, किसी शब्द से अन्य शब्द बनाना पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से एक प्रश्न आएगा। इसके साथ में आगे अपने एक टॉपिक लगता है जिसे अपन कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में इसको बोला जाता है कूट लेखन। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, अल्फाबेट का आपस में रिलेशन देखना होता है। अगर आप अल्फाबेट से डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पे आपके रिलेशन समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपके अल्फाबेट की नंबरिंग याद है तो नंबरिंग से आपके आराम से समझ में आ जाएगा कि इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या अपोजिट चल रहा है या क्रॉस कोडिंग लग रही है, वो सिस्टम आपके समझ में आ जाएगा। और हर एग्जाम में 2% कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जाते हैं, आगे बात समझ में। तीसरी अपन बात करते हैं जो विशेषता लगता है, बैंक में टॉपिक लगता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट, जो कि इस बार पटवार का जो सिलेबस है उसमें पहली बार जोड़ा गया है इनपुट आउटपुट का टॉपिक। तो ये आप मान के चलिए कि पटवार के एग्जाम में इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आएगा, और जिस बच्चे ने अल्फाबेट टेस्ट तैयार नहीं किया वह इनपुट आउटपुट का टॉपिक नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट में क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है। वो स्पेलिंग को डिक्शनरी टेस्ट में लिखेगा, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेगा, या संख्याओं को वो आपस में क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग में काफी भूमिका रखता है। रीजनिंग में ये मान लो कि रीजनिंग की रीड की हड्डी जो है वो इस टॉपिक पे बेस है। आगे बात समझ में। अब देखिए, टॉपिक जो है जिसका नाम है वर्णमाला परीक्षण, एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि यहां पे अपन अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे। कौन सी वर्णमाला की बात करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं। इन 26 अल्फाबेटों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रथम अर्धांश जो कि ए से लेकर एम तक होता है, 1 नंबर से 13 नंबर तक। प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है। दूसरा जो भाग होता है उसे द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। द्वितीय अर्धांश जो है वो एन से लेकर जेड तक होता है, यानी 14 से लेकर 26 तक होता है। सबको पता है अर्धांश का मतलब क्या होता है, आधा अंश, यानी अपनी भाषा में कहें तो किसी भी चीज का आधा भाग जो होता है उसे शुद्ध हिंदी में अर्धांश बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए,
ये अर्धांश, देखो कहने को सीधी बात में ये भी कह सकता था भाई ये 26 अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक, ये अर्धांशों में क्यों बांटे गए हैं? ये अर्धांशों में इसलिए बांटे गए हैं ताकि एक तो आपके अपोजिट अल्फाबेट याद अच्छे से हो जाए। कौन से अल्फाबेट? अपोजिट अल्फाबेट। दूसरी बात, अपोजिट अल्फा, दूसरी बात क्या होता है, एक अपने टॉपिक लगता है, ओड मैन आउट, जिसे हिंदी में बोला जाता है विसंगत की पहचान करो। बच्चे देखो एक बात बता देता हूं मैं आपको स्टूडेंट्स की, अल्फाबेट में अगर आपको विसंगत छांटने से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे अपना दिमाग ज्यादातर काम करता है वोवेल और कॉन्सोनेंट पर। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ और यू। कितने स्वर हैं? 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो 21 बच गए वो किसकी श्रेणी में है? व्यंजन की श्रेणी में है। किसकी श्रेणी में है? व्यंजन की श्रेणी में है। अब अगर विसंगत छांटने वाला प्रश्न पूछा जाता है तो ज्यादातर अपना दिमाग यही काम करता है कि या तो अगला 3 स्वर दे देगा एक व्यंजन दे देगा, या फिर 3 व्यंजन दे देगा एक स्वर दे देगा। दूसरी बात, अल्फाबेट नंबर पर भी आधारित होता है कि आपको मैंने 4 अल्फाबेट दिए, उस 4 में से 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनका नंबर विषम है, जैसे ए सी ई जी आई, ये सब 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 9 विषम है, ठीक है, या फिर 3 मैं ऐसे दे दूंगा जो सम है, 1 ऐसे दे दूंगा जो विषम है, तो दूसरी बात वहां पे भी ये चीज अपने काम आएगी। तीसरी बात, कई बार ये दोनों ही रिलेशन नहीं लगते हैं, वो क्या करेगा कि 3 अल्फाबेट जो हैं वो तो आपको दे देगा फर्स्ट अर्धांश से, और 1 अल्फाबेट जो है वो आपको दे देगा सेकंड अर्धांश से। जैसे आपने कैलेंडर में पढ़ा था, कैलेंडर में अपन बेसिकली सुनते आ रहे हैं कि 12 महीने होते हैं, तो वहां पे विसंगत छांटने वाला जो, देखो एक बात क्लियर है कि जो विसंगत वाला प्रश्न है यहां पे एग्जामिनर की कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, साइंस से पूछ सकता है, रीजनिंग से पूछ सकता है, हिस्ट्री से पूछ सकता है, इतिहास से भी पूछ सकता है कि ये देखो एक वंश के 3 राजा के नाम दे दिए, एक राजा का दूसरा नाम दे दिया, दूसरे वंश के राजा का नाम दे दिया। तो अब यहां पे कैलेंडर से प्रश्न मान लो पूछता है कोई, ओड मैन आउट की बात बीच में बता देता हूं कि कैलेंडर से अगर आपको 4 महीनों के नाम दे दूं मैं और 4 महीनों में से 1 महीना आपको अलग छांटना हो तो आप बेसिकली 30 या 31 दिन पर देखते हैं। भाई देखते हैं कि नहीं देखते, बेसिकली अपन या तो 30 दिन वाला या 31 दिन वाला, लेकिन याद रखना ज्यादातर जो प्रश्न उठता है वो कैलेंडर में भी 2 अर्धांश होते हैं, एक तो होता है उत्तरार्ध 6 माह और एक होते हैं दक्षिणार्ध 6 माह। उत्तरार्ध 6 माह में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और दक्षिणार्ध में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर आता है। आगे बात समझ में, तो इसलिए मैंने इस 26 अक्षरों की जो वर्णमाला थी इसको कितने भागों में विभाजित कर दिया? 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो मैंने इसका बना दिया प्रथम अर्धांश जो कि ए से लेकर एम तक था, एक मैंने बना दिया द्वितीय अर्धांश जो कि एन से लेकर जेड तक था। अब अगर आगे की बात करते हैं कि वर्णमाला में आगे क्या प्रोसेस चलता है, कौन सा बायां किनारा होता है, कौन सा दायां किनारा होता है, वो सब चीज अपन एक एक करके यहां पे पढ़ेंगे। देखो भाई, पहला अर्धांश ए से लेकर एम तक, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, ये प्रथम अर्धांश हो गया। द्वितीय अर्धांश एन से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आगे बात समझ में, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला ए से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? ए से। अंग्रेजी वर्णमाला का जो ए है ये कौन से किनारे पर माना जाता है? बाएं किनारे पर। कौन से किनारे पर? बाएं किनारे पर। और वर्णमाला का जो जेड है
ये कौन से किनारे पर माना जाता है? दाएं किनारे पर। कौन से किनारे पर है? दाएं किनारे पर। आप कहोगे सर ए और जेड तो ऊपर नीचे हैं, तो ये दायां कैसे हुआ? देखिए ये मैंने दो अर्धांशों को लिखा है, अगर मैं पूरी वर्णमाला को एक साथ लिखूं तो जेड उस कॉर्नर पे जाएगा और ए इस कॉर्नर पे रहेगा। आगे बात समझ में? तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस। आगे बात समझ में? ये मैंने यहाँ पे क्या किया, छब्बीस तक अक्षर लिखे। एक बात देखिए, मैंने आपसे पूछा भाई आठ नंबर पे कौन है, आप कहोगे सर एच है। मैंने कहा बारह नंबर पे कौन, आप कहोगे एल है। मैंने कहा पंद्रह नंबर पे कौन है, ओ है। और ये नंबर आपको याद होना जरूरी है। अलग अलग बुक्स जो हैं, अलग अलग टीचर्स जो हैं, वो इन नंबरों को याद करने के अलग अलग ट्रिक बताते हैं। आप अपनी खुद की ट्रिक भी रख सकते हो, और एक ट्रिक मैं भी आपको बता देता हूँ, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। आपको नंबर याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम अपने पास होता नहीं है कि अपन वर्णमाला लिखें और उसका नंबर देखें। तो आप एक नाम याद रखना, इजोटी। क्या नाम याद रखोगे? इजोटी। नंबरिंग पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस। आगे बात समझो, ई पांच पर, जे दस पर, ओ पंद्रह पर, टी बीस पर, और वाई कितने पर आता है साहब? है पच्चीस पर आता है। अब आपने यहाँ पे पांच अल्फाबेट याद किए, ई जे ओ टी वाई, पांच दस पंद्रह बीस से पच्चीस। इन पांच के साथ में दस अल्फाबेट आपके ऑटोमेटिक याद हुए। वो कैसे याद हुए ध्यान से देखना, ई से पहले डी तो पांच से पहले चार, ई के बाद एफ तो पांच के बाद छ, जे से पहले आई तो दस से पहले नौ, जे के बाद के तो दस के बाद ग्यारह, ओ से पहले एन तो पंद्रह से पहले चौदह, ओ के बाद पी तो पंद्रह के बाद सोलह, टी से पहले एस तो बीस से पहले उन्नीस, टी के बाद यू तो बीस के बाद इक्कीस, वाई से पहले एक्स तो पच्चीस से पहले चौबीस, वाई के बाद जेड तो पच्चीस के बाद जेड। तो आपके यहाँ कितने अक्षर याद हो जाते हैं इस ट्रिक से? 15 अक्षर याद हो जाते हैं। उसके बाद में वर्णमाला में दो अक्षर ऐसे हैं जो अपनी आकृति से अपने नंबर को दर्शाते हैं, कौन कौन से? ध्यान से देखिए, एक मैंने लिखा जी, तो ध्यान से देखो जी के नीचे हमेशा सात की आकृति लिखी होती है। जी के नीचे किसकी आकृति होती है? सात की। और एक मैंने लिखा एच, एक मैंने क्या लिखा? एच। तो एच का नंबर कितना होगा? आठ। कितना नंबर होगा? आठ। आगे बात समझ में? बाकी आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से भी याद रख सकते हो, लेकिन नंबरिंग याद होना कंपलसरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना ट्रिक अगर आप लिखना चाहो तो। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं, ये हमेशा कौन से किनारे से होते हैं? भाई काउंटिंग तो फर्स्ट से स्टार्ट होती है, और फर्स्ट कौन सा है? ए। इसका मतलब ये जो नंबरिंग है, ये हमेशा कौन से किनारे से होती है? बाएं किनारे से होती है। कौन से किनारे से होती है? बाएं किनारे से। क्या होती है भाई? नंबरिंग। अब एक बार मैं आपके सामने एक नाम लिख रहा हूं, वो नाम है अपोजिट अल्फाबेट, विपरीत अक्षर। देखिए विपरीत अक्षर का मतलब ए का विपरीत जेड होता है। ए का अपोजिट कौन होता है? जेड। बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस। और वर्तमान में जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें जो कोड डिकोड का क्वेश्चन आता है, वो ज़्यादातर अपोजिट का रिलेशन पूछा जाता है। कारण कि बच्चे वहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न देखते हैं प्लस वाला और माइनस वाला, कि या तो अल्फाबेट में कुछ जुड़ रहा है या अल्फाबेट में माइनस हो रहा है। लेकिन आपको अपोजिट भी ध्यान में रखना है, आपको अपोजिट भी ध्यान में रखना है कि ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू। अब देखिए इनको भी याद करने की ट्रिक है, इनको भी याद करने की ट्रिक है। तो वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहेगा कि एच का अपोजिट एस है, लेकिन अपन इसको एक नाम से कनेक्ट करेंगे, उस नाम से जब एग्जाम में आएगा तो अपने याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ नाम था तो इसका अपोजिट ये है। तो ए का तो जेड सबके याद रहता है, बी वाई, तो बी वाई की ट्रिक अपन लिखेंगे बाय बाय। उसके बाद आता है सी एक्स, तो एक मेडिसिन का नाम है कोरेक्स। क्या नाम याद रखोगे? कोरेक्स, तो सी का एक्स। उसके बाद में आता है डी डब्ल्यू, जिसे अपन लिखेंगे
दूध वाला, डी डब्ल्यू, अब ये नाम याद रहेगा दूध वाला, तो डी का डब्ल्यू कोरेक्स, सी का एक्स, बाय बाय बी का वाई। उसके बाद में आता है ईवी, तो ईवी आप नाम याद रखना इवनिंग, क्या नाम याद रखोगे इवनिंग, एफ यू फादर अंकल रखो या फुकरे, एफ यू से क्या याद रखोगे आप, फुकरे, तो एफ का अपोजिट यू हो गया। उसके बाद में आता है जीटी, तो आप सबने सुना है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सुना होगा सबने, तो जीटी रोड से क्या, जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। देखिए उसके बाद में आता है, ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहना इस चीज का, ठीक है। उसके बाद में आता है एच एस, तो एच एस के लिए मैं शब्द लिखूंगा हाई स्कूल, एच एस के लिए क्या लिखूंगा हाई स्कूल। उसके बाद में आता है आई आर, तो आई आर के लिए नॉर्मल सा नाम है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद में आता है जेक्यू, तो जेक्यू के लिए लिखूंगा मैं जैकलीन, जेक्यू के लिखेंगे जैकलीन। उसके बाद में केपी, तो अपने एक मूवी है, फिल्म है जिसका नाम है पीके, तो के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के। एलओ, एलओ के लिए अपन वर्ड यूज में लेंगे लव, और एम का एन लगभग नॉर्मली सब याद रहता है, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके अगर ये नंबर याद हैं तो आपके याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आगे बात समझ में, अब देखिए लास्ट में आपको एक सीधा सा हथियार बता देता हूं एक और, कि बाय द वे आपके ये नाम भी एग्जाम में याद नहीं है, आपके ये नाम भी एग्जाम में याद में नहीं है, और आपके जो अल्फाबेट हैं वो भी याद नहीं है, तो फिर अपन देखिए यहां पे क्या करेंगे। देखिए अपोजिट के जो नंबर हैं उनका टोटल हमेशा 27 होता है, अपोजिट के जो भी नंबर हैं उनका टोटल हमेशा कितना होता है 27। जैसे देखो ए का अपोजिट जेड तो 26 और एक 27, बी का अपोजिट वाई तो 25 और दो 27, सी का अपोजिट एक्स तो 24 और तीन 27, डी का अपोजिट डब्ल्यू तो 23 और चार 27, 22 और पाँच 27, 21 और छः 27। याद रखना अपोजिट जो अल्फाबेट हैं, अपोजिट जो अल्फाबेट हैं उनके नंबरों का योग हमेशा 27 होता है। अब आप कहोगे सर कि टोटल अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, लेकिन ये नंबरों का योग 27 कैसे हुआ, नंबरों का योग 27 कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे अक्सर दो बार काउंटिंग में आ जाता है, इसकी वजह से एक यहाँ पे क्रम में बढ़ जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं कि एग्जाम में मैं भूल गया कि सर ने एस का अपोजिट क्या बताया था, सर ने एस का अपोजिट क्या बताया था, तो एस का नंबर होता है 19। एस का नंबर कितना होता है 19, देखो भाई नंबर याद कर लेना, नंबर के बिना ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एस का नंबर कितना है 19, मेरे को देखना है एस का अपोजिट, क्या देखना है एस का अपोजिट, अपोजिट में दोनों अल्फाबेटों का नंबर का टोटल कितना होता है 27। अब दो व्यक्ति हैं, दोनों का टोटल 27 है, एक का आपको पता है 19 है, तो दूसरे का आप माइनस करके निकाल सकते हो, तो दोनों अल्फाबेटों के नंबरों का टोटल कितना था 27, जिसमें से एक अल्फाबेट का नंबर कितना है 19, तो बेसिक सी बात है मैं करूंगा 27 माइनस 19, तो मेरे पास क्या बचा भाई, देखिए 27 माइनस 19 कितना बचा 8, और 8 नंबर पे कौन आता है एच, देखिए एस का अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच, कुछ नहीं करना, भूल गए तो उसका नंबर 27 में से माइनस करो और सीधा वो लिख दो। अब देखिए एक लॉजिकल बात आपको और बता देते हैं, वो लॉजिकल बात क्या है कि भाई आपको जो नंबर है वो बाएं किनारे से याद होंगे कि सर ए एक नंबर पे, बी दो नंबर पे, सी तीन नंबर पे, डी चार नंबर पे, अगर मैं उल्टा पूछूं तो कितना याद करोगे, याद नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके अपोजिट याद है तो फिर आपको दाएं किनारे से नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा कि बाएं किनारे से 12वां, मैंने कहा बाएं किनारे से 12वां, बेसिक सी बात है बाएं किनारे से 12वां कौन होता है एल होता है, बाएं किनारे से 12वां कौन होता है एल, बट एग्जामिनर अपने को दाएं किनारे से भी पूछ सकता है,
एग्जामिनर जो है वो अपने को दाएं किनारे से भी तो पूछ सकता है। अब एग्जाम में इतना टाइम है नहीं कि मैं पहले पूरी ABCD लिखूंगा फिर दाएं किनारे से जेड से गिनती करके चलूंगा। याद रखना जो बाएं किनारे से बार हुआ है उसका जो अपोजिट है वही दाएं किनारे से बार हुआ होगा। तो बाएं किनारे से बार हुआ कौन था? L। L का अपोजिट कौन है? O। तो ये जो O है ये कौन से किनारे से बार हुआ होगा? दाएं किनारे से बार हुआ होगा। बाएं से बार हुआ L, L का जो अपोजिट होगा वो दाएं से। जैसे मैंने कहा बाएं किनारे से छटा, बाएं किनारे से छटा, सबको पता है कौन होता है भाई? F होता है। लेकिन एग्जामिनर आपको दाएं किनारे से अगर छटा पूछे, कौन से किनारे से? दाएं किनारे से छटा, तो F का अपोजिट U, तो ये U कौन से किनारे से हो जाएगा? दाएं किनारे से छटा हो जाएगा। आगे बात समझ में, बाएं किनारे से अगर प्रश्न आता है तो डायरेक्टली लिख दो, अगर दाएं से प्रश्न आता है तो पहले बाएं का निकालो, पहले कहां का निकालो? बाएं का, और उसका क्या लिख दो? अपोजिट लिख देंगे। आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। अब अपन कहां चलेंगे? क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिए जाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, और उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। पहले अपन एक एक टाइप को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद में जब टॉपिक एंड होगा उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्लास दे दी जाएगी, क्योंकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए आगे आता है कर्म पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? कर्म पर आधारित प्रश्न। प्रश्न की लैंग्वेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं किनारे से 10वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं, तीसरा अक्षर क्या होगा, ऐसी चीज आती है। आगे बात समझ। तो आज अपन सिर्फ सीधी ABCD के प्रश्न करेंगे, आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन प्रथम अर्धांश को भी विपरीत करेंगे, द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत करेंगे, पूरी वर्णमाला को भी विपरीत करेंगे, मतलब इसका पूरी वर्णमाला का पुर्जा पुर्जा खोलेंगे। बेसिक सी बात यह है। तो सबसे पहले आता है कर्म पर आधारित प्रश्न। देखिए कर्म पर आधारित प्रश्न में अगर कैंडिडेट के चलने का तरीका समान है, क्या है? समान। समान का मतलब एक जैसे नाम, बाएं से बाएं या दाएं से दाएं, तो अपन जो नंबर दिया गया है उसका करते हैं माइनस। क्या करते हैं? माइनस। अब आप कहोगे सर कौन से नंबर का माइनस? आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अगर व्यक्ति के चलने का क्रम विपरीत हो, कैसे हो भाई? विपरीत। अब विपरीत कैसे? या तो व्यक्ति चलता हो बाएं से दाएं और या व्यक्ति चलता हो दाएं से बाएं। तो यहां पे आपको जो नंबर दिए गए हैं उनका करना होता है योग। क्या करना होता है? योग प्लस। स्क्रीनशॉट ले लेना भी साथ में, ठीक है। अब एक बात देखिए कि माइनस करो चाहे प्लस करो उसके पश्चात अपने पास एक नंबर तो आएगा, और बच्चे कहते हैं कि उस नंबर का अक्षर सर कौन से किनारे से देखें, बाएं किनारे से देखें या दाएं किनारे से? तो याद रखना अक्षर हमेशा देखे जाएगा जहां से प्रश्न की शुरुआत हुई हो, जहां से प्रश्न की क्या हुई हो? शुरुआत हुई हो। आगे बात समझ में। अब आपके सामने मैं एक प्रश्न लिखता हूं, आपके सामने मैं क्या लिखता हूं? प्रश्न। मैंने क्वेश्चन इस चीज को मैं थोड़ा सा ब्रेकेट में लिख देता हूं, ये ब्रेकेट में है, ये इधर जो अपनी वर्णमाला है ये भी मैं एक ब्रेकेट में लिख देता हूं, क्योंकि वर्णमाला का आगे अपने को यूज लेना होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं किनारे से, बाएं किनारे से, स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई है? बाएं किनारे से। इसका मतलब आगे का जो भी अपन वर्किंग प्रोसेस रखेंगे क्वेश्चन के दौरान वो सारा का सारा किसके अकॉर्डिंग चलेगा? बाएं किनारे के अकॉर्डिंग चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं किनारे से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं किनारे से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ध्यान से देखना,
मैंने कहा था चलने का क्रम समान हो तो माइनस करेंगे, चलने का क्रम विपरीत हो तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए यहां क्या नाम आया, बायां। यहां क्या नाम आया, बायां। काम होगा इस बायें के अकॉर्डिंग पे, जहां से प्रश्न की शुरुआत हो आगे के सारे नाम अपन इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अगर बायें के जैसा बायां हो, मैंने क्या कहा, समान हो तब तो माइनस करेंगे और विपरीत हो तब प्लस करेंगे। अगर इसके जैसा का जैसा नाम आता है तब तो उसका नंबर प्लस करेंगे, और इसके अपोजिट नाम कहीं प्रश्न में आता है तब उसका नंबर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां बायां नाम आया और यहां भी क्या नाम आया, बायां नाम आया। तो बताइए ये बायां और ये बायां दोनों सेम हुए तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। कौन से नंबर, 10 माइनस 7 क्या बचा मेरे पास, 3। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये तीसरा अक्षर कहां से देखा जाए। तो मैंने कहा था यहां पे कैलकुलेशन के बाद अपने पास जो भी अक्षर प्राप्त हो उसे हमेशा उस किनारे से देखा जाता है जहां से प्रश्न की शुरुआत हुई हो, और इस प्रश्न की शुरुआत कहां से की गई है, बाएं किनारे से की गई है, और बाएं किनारे से तीसरा अक्षर कौन होता है भाई, सी होता है। कौन होता है, सी। आगे बात समझ में। अब अपन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन का प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं किनारे से दसवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न की शुरुआत दाएं किनारे से, प्रश्न की शुरुआत कहां से है, दाएं किनारे से। वर्किंग प्रोसेस जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, दाएं के अकॉर्डिंग। अब देखिए समान, समान का मतलब आगे अगर दायां नाम आए तब माइनस करेंगे, विपरीत का मतलब अगर बायां नाम आए तब प्लस करेंगे। अगर प्रश्न में आगे कहीं भी आपको इसके जैसा नाम मिल जाए तब तो माइनस कर देना, और इसके विपरीत नाम मिल जाए तो प्लस कर देना। देखिए आगे मैं चला तो यहां नाम आया क्या, बाएं। तो बताओ इसके जैसा है या इसके विपरीत है, इसके अपोजिट है, और अपोजिट होगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो 10 प्लस 5 कितना हुआ, 15वां अक्षर। कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर। अब एक बात देखिए, ये 15वां अक्षर कौन से किनारे से देखना है, दाएं किनारे से। कौन से किनारे से, दाएं से। लेकिन मैंने क्या कहा था, दाएं से अपने नंबरिंग याद है नहीं, तो अपन पहले बाएं से 15वां देखेंगे। कहां से 15वां, बाएं से 15वां। तो बाएं से 15वां अक्षर कौन होता है भाई, ओ होता है। कौन होता है, ओ। और मैंने क्या कहा, इस ओ का अपोजिट लिख लो कौन, एल। एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। तो ये जो मैंने एल लिखा है ये किसका अपोजिट कहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं किनारे से 15वां। कहां से हो जाएगा, दाएं किनारे से 15वां। भाई दाएं किनारे से 15वां अक्षर देखना था, दाएं किनारे से 15वां अक्षर मेरे याद नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा, पहले बाएं से निकालूंगा, और उसका अपोजिट जो है वो कहां से हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते, इसी प्रश्न की थोड़ी सी अपन क्या करेंगे, लेंथ जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि वर्णमाला के बाएं किनारे से 15वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको लेंथी कर दिया है। देखिए प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई, बाएं किनारे से। प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई, बाएं किनारे से। तो जो भी अपना वर्किंग प्रोसेस रहेगा वो इस बाएं के अकॉर्डिंग रहेगा, किसके अकॉर्डिंग रहेगा, बाएं के। तो अब देखो कि बायां यहां पे है, अगर इसके समान हुआ तो मैं माइनस करूंगा और विपरीत हुआ तो मैं
प्लस करूंगा। तो बाएं के आगे अगर समान का मतलब बाएं के आगे बाएं और विपरीत का मतलब बाएं के आगे दाएं। तो अब अगर कहीं आगे बाएं नाम आएगा तब तो मैं उसका नंबर माइनस करूंगा और दाएं नाम आएगा तो उसका नंबर मैं प्लस करूंगा, क्योंकि वो दायां इसके विपरीत हो जाएगा और बायां इसके समान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बायां नाम आया, बाएं से कौन सा भाई, पंद्रहवा, कौन सा, पंद्रहवा। बाएं के आगे क्या नाम आया, दाएं, अपोजिट है तो क्या करूंगा मैं, प्लस, कितना, पांच। फिर आगे वापस क्या नाम आया, बायां, तो ये इस बाएं के सेम ही है तो क्या करूंगा, माइनस, कौन सा, तीसरा। फिर आगे वापस क्या नाम आया, बाएं, इसके जैसा ही है तो फिर क्या करूंगा, माइनस, कितना करूंगा, दो, क्योंकि दूसरा अक्षर है। पंद्रह और पांच बीस, माइनस पांच, क्योंकि माइनस तीन और माइनस दो माइनस के पांच, बीस माइनस पांच कितने बचे, पंद्रहवा अक्षर, कितना बचा भाई, पंद्रहवा अक्षर। अब ये पंद्रहवा अक्षर किस किनारे से देखा जाएगा, ये पंद्रहवा जो अक्षर है ये किस किनारे से देखा जाएगा, जहां से प्रश्न की क्या हुई हो, शुरुआत हुई हो। प्रश्न की शुरुआत जो है वो बाएं किनारे से हुई है, तो बाएं किनारे से पंद्रहवा अक्षर जो है वो किसको माना जाता है, ओ को माना जाता है, किसको माना जाता है, ओ को। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐसा ही सोल्व करते हैं जो कि थोड़ा सा इससे ज्यादा लेंथी ले लेंगे अपन, ठीक है, चलते हैं वो क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैंने क्वेश्चन लिया अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं किनारे से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं किनारे से दसवें अक्षर के दाएं पांचवें अक्षर के बाएं सातवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अपन इसको सोल्व करते हैं। ऐसा लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हो सकता है आप लोगों के थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम रहे, लेकिन अपने को यहाँ पे टाइम भी बचाना है, दूसरी बात क्वेश्चन को अपने को राइट भी करना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई, दाएं किनारे से, कौन से किनारे से, दाएं किनारे से। तो जो भी वर्किंग प्रोसेस रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, दाएं के अकॉर्डिंग रहेगा। अब देखिए समान है तो माइनस, विपरीत है तो प्लस। दाएं के समान यानी दाएं के आगे अगर कहीं भी दायां नाम आया तब तो माइनस होगा और बायां आया तो विपरीत होते ही प्लस होगा। देखिए दाएं किनारे से दसवा तो क्या लिखा, दस। आगे दायां नाम आया इसके समान ही है तो माइनस पांच। फिर आगे बायां नाम आया तो इसके अपोजिट है तो प्लस का सात, क्योंकि कौन सा अक्षर था, सातवा। फिर आगे बायां नाम आया तो मैं वापस क्या करूंगा, प्लस, क्योंकि ये भी इसके अपोजिट ही है। अब मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, सात और सात चौदह, चौदह और दस चौबीस, माइनस पांच यानी उन्नीस, क्या आया भाई, उन्नीस। अब ये उन्नीसवा अक्षर जो है वो कौन से किनारे से देखना था, दाएं किनारे से, कौन से किनारे से देखना था, दाएं किनारे से। अब दाएं किनारे से डायरेक्टली मेरे याद नहीं है तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं बाएं किनारे से, कौन से किनारे से, बाएं किनारे से उन्नीसवा अक्षर निकालूंगा जो कि होता है एस, क्या होता है, एस। लेकिन मेरा आंसर तो दाएं किनारे से पूछा है, बाएं से थोड़ी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस एस का जो अपोजिट होगा कौन भाई, एच। एस का अपोजिट कौन है, एच। वो कहां से उन्नीसवा हो जाएगा, दाएं किनारे से, कहां से अपोजिट हो जाएगा, दाएं किनारे से। आगे बात समझ में, इससे आउट यहां से आपके प्रश्न नहीं जाएगा, बट एसएससी वाले बच्चे अब ध्यान से देखेंगे। आज मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं, वो तीनों चीजें आपको पढ़नी है तभी आगे की क्लास का मैटर समझ में आएगा। वो तीनों चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए तो जो आंसर है, तो आंसर को 14 में से घटाया जाता है। कैसे घटाया जाता है वो जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा, बट आपको बेसिकली एक बात याद रखनी है कि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए तो किस में से घटाया जाता है, 14 में से घटाया जाता है। यदि द्वितीय अर्धांश को
यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाए, तो 40 में से घटाया जाता है। किसमें से घटाया जाता है? 40 में से घटाया जाता है। प्रथम अर्धांश को विपरीत करेंगे 14 में से, केवल प्रथम को करेंगे तब, और केवल द्वितीय को करेंगे तब किसमें से घटाएंगे? 40 में से घटाया जाता है। और यदि संपूर्ण वर्णमाला को, विपरीत किया जाए, तो आए हुए, उत्तर को 27 में से घटाया जाता है। किसमें से घटाया जाता है? 27 में से घटाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपको मोस्टली याद रखनी है कि यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए तो 14 में से घटाया जाता है, केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाए तो 40 में से घटाया जाता है, संपूर्ण वर्णमाला को यदि विपरीत कर दिया जाए तो 27 में से घटाया जाता है। ये तीन चीज़ें याद रखना, नेक्स्ट क्लास में जो भी अपन काम करेंगे इस पर काम करेंगे। बाकी वो तो याद रखनी है कि चलने का क्रम समान हो, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इस चीज़ का, कि चलने का क्रम समान हो तो क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है, और विपरीत हो तो प्लस किया जाता है। अगर कोई बच्चा चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।